फ्रॉड फोन कॉल द्वारा बैंकों से लगातार पैसे उड़ाने के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सभी इस ठगी का शिकार नहीं होते हैं। कुछ लोग अपनी समझदारी से ठगों द्वारा फेंके जाल में नहीं फंसते हैं। ऐसा ही एक वाक्य सोलन में हुआ, जिसमें सोलन के व्यवसायी शोभित आनंद को भारत के मोबाइल नंबर से फोन आया और वे बातों में फंसाकर और डराकर उसे बैंक खातों से जुड़ी जानकारियां हासिल करना चाहते थे। लेकिन व्यवसायी जागरूक था, वह ठग को गलत जानकारियां देता रहा और उसके सभी वार्तालाप फोन पर रिकॉर्ड करता रहा। अंत में ठग को पता चल ही गया कि उसकी यहां दाल गलने वाली नहीं है और उसने गुस्से में आकर फोन काट दिया। आपको बता दें कि इस तरह के फोन कॉल आना अब आम बात हो गई है, लेकिन ना समझ लोग अभी भी इनके जाल में फंसकर अपनी महत्वपूर्ण जानकारियां दे देते हैं और अपनी खून पसीने की कमाई से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी देते हुए व्यवसायी शोभित आनंद ने बताया कि जो फोन कॉल उन्हें आया वह ठग का है और उनसे बैंक डिटेल मांग रहा था, लेकिन उन्होंने वह उसे नहीं दी। लेकिन कुछ लोग इन ठगों की बातों में आ जाते हैं और बैंक डिटेल देकर अपने धन से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए ठग की सभी बातों को रिकॉर्ड कर लिया और मीडिया के माध्यम से उसे जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया, ताकि लोग इन ठगों का शिकार ना हो। उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि वे विशेष तौर पर बड़े बुजुर्गों और बच्चों को इसकी जानकारी अवश्य दें। अगर आप सभी जागरूक हो जाएंगे तो कोई भी फ्रॉड उनकी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ नहीं कर सकेगा। जी, मैं आज आपके माध्यम से ये संदेश सबको देना चाहता हूँ कि आज सुबह मुझे एक कॉल आई जो कि कह रहे थे कि हम यूको बैंक के मैनेजर बोल रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा हाँ जी बताइए। उन्होंने कहा कि आपका जो ATM कार्ड है वो ब्लॉक हो गया है। और हैरानी की बात यह है कि मेरे पास यूको बैंक का अकाउंट नहीं है, बट मैं इस बात को भांप गया था कि ये कोई ऐसा इंसान है जो शायद ऑनलाइन मेरे साथ फ्रॉड करना चाहता है। तो मैंने उनके साथ अपनी बातचीत बढ़ाई, मैंने उनको बोला बताइए आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आपका कार्ड ब्लॉक हो गया। तो मैंने उनको बोला कि मेरा तो यूको बैंक में अकाउंट नहीं है। तो उन्होंने मुझे पलट के बोला कि आपके पास कोई बैंक तो है। मैं कहा हाँ जी मेरे पास तो 4-5 बैंक में अकाउंट है। तो वो कार्ड ब्लॉक हो गए हैं, तो आप वो खुलवाना चाहते हैं या नहीं खुलवाना चाहते हैं? मैंने कहा जी हाँ खुलवाना चाहते हैं, अकाउंट कार्ड ब्लॉक हो गया। तो उन्होंने सबसे पहले समझदारी से इस प्रोफेशनल तरीके से बात करी जैसे कि वाकई ही बैंक से कॉल आई हो। तो आप उसमें पहचान नहीं पाएंगे अगर आपको ऐसी कॉल आएगी कि ये बैंक से कॉल है कि या फिर ये कोई आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। तो उन्होंने कॉल करी और उन्होंने मुझे उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका आधार नंबर कन्फर्म कराइए, हम आपके आधार कार्ड से लिंक करेंगे। तो उनका कारण आधार नंबर जानने का मेरा ये था कि उससे उनको पता चल जाता कि इनके कितने बैंक अकाउंट है, कितने खाते हैं इनके। तो मैंने उनको एक गलत आधार नंबर दे दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना कार्ड निकालिए, कार्ड में से आपका कार्ड पे जो नंबर लिखे हैं वो बताइए, उसकी एक्सपायरी डेट बताइए, उसके कार्ड के पीछे जो नंबर होता है वो बताइए। तो उन्होंने उसके बाद एक बात बोली कि अभी आपको एक मैसेज आएगा जब आपके पैसे अकाउंट से निकलते हैं या आते हैं, तो एक मैसेज आता है, आपको वो मैसेज आएगा, आपने हमें वो बताना है। अब मैंने उनको गलत कार्ड नंबर दे दिए, तो गलत कार्ड नंबर दे दिए इस कारण उनका मैसेज कोई मेरे पास आया नहीं, वो मेरे पास से पैसे नहीं निकाल पाए। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से ये सबको अवेयर करना चाहता हूं कि एक तो ये बहुत तंगी का टाइम है, चाहे वो मध्यम वर्ग हैं, चाहे वो बिलो पॉवर्टी हैं, कोई भी लोग हैं, सबके लिए बहुत तंगी से जूझ रहे हैं सारे के सारे। तो ऐसे टाइम में किसी के पास ऐसी कॉल आए और किसी को फ्रॉड हो जाए तो वो और ही परेशानी में आ जाएगा। तो आप सबको ये अवेयरनेस दे रहा हूं कि आपको किसी को भी कोई भी प्रकार की कॉल बैंक से आए कि आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है, आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है, आपकी इंटरनेट बैंकिंग ब्लॉक हो गई है, तो कृपया ऐसी किसी कॉल पे विश्वास ना करें। इमीडिएटली अपने, अगर आपको कोई डाउट है तो अपने बैंक की ब्रांच में खुद विजिट करें। और बिकॉज हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है, आपको एक बात बताता हूं कि अगर हम इस तरीके से फ्रॉड में उनके आ जाए और अगर वो हम OTP नंबर जो हमारे मैसेज मोबाइल पे आता है वो शेयर कर लें, उसके बाद वो पैसा हमारा बैंक भी वापस नहीं दिला सकता, बिकॉज बैंक ने पहले कहा है कि अपना OTP किसी से शेयर ना करें। तो यही चीज थी, ये समझदारी मेरे पास थी, मैंने उनको कुछ नहीं बताया। तो कई बारी ऐसे बहुत से केस होते हैं, ऐसे लोग बन गए हैं, ऐसे ऑफिसेज दफ्तर खोल लिए हैं जहां से ऐसी कॉलें आती हैं, और बुजुर्गवार जो हमारे हैं जिनको इतनी इंटरनेट ऑनलाइन की नॉलेज नहीं है, उनके लिए बहुत ही मुसीबत का कारण है। तो आप प्लीज खुद भी अवेयर होइए, अपने पेरेंट्स को भी अवेयर करें, अपने बच्चों को भी अवेयर करें जो बढ़ती उम्र में अकाउंट्स हैं जिनके पास, कि बेटा कोई भी ऐसी कॉल आए कभी भी आपने उसको एंटरटेन नहीं करना है।